शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में ले रही हूँ 1 टीस्पून घी। इसमें हम डालेंगे छेना, जो हमारा दूध फट गया था उसमें से जो सॉलिड पार्ट जो हमारा रहता है उसे मैंने अच्छे से छान लिया था और कपड़े में उसे बांध कर आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि उसमें से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी है वो निकल जाए। उसके बाद ही हम इसे यूज करेंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हमें हाई गैस नहीं करनी है। इसमें मैं डाल रही हूँ पाउडर शुगर 1/2 कप। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है हमें और लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर 1/2 कप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। लगातार इसे चलाते रहेंगे। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट ही इसे लगेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर जो हमारा है वो पैन छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप चाहें तो कोई एसेंस भी यूज कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा पैन को छोड़ने लगा है तो अब हम इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे किसी भी ट्रे में। आप चाहें तो थाली पर ही थोड़ा सा घी लगाकर उस पर भी इसे फैला सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटर पेपर यूज किया है। इसे अच्छे से हम सेट करने के लिए फैला लेंगे और इस पे गार्निशिंग के लिए मैं लगा रही हूँ पिस्ता और बादाम। बारीक काट लिया था मैंने इन्हें। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। इस मिठाई को बनने में हमें सिर्फ 5 मिनट ही लगे हैं। इसे हम सेट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब देख सकते हैं मिठाई बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। फ्रिज से हमने इसे निकाल लिया है और बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई बनकर हमारी तैयार हुई है, जैसा कि हलवाई बनाते हैं। और ना ही हमने इसमें खोया यूज किया है, सिर्फ हमने फटे हुए दूध से इसे बनाया है। तो आप भी अपने जो फटा हुआ दूध है उसे कभी फेंकिएगा नहीं, खराब मत कीजिएगा। उसे हम यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से इस मिठाई के लिए और 5 मिनट ही लगते हैं इसे बनाने के लिए। देख सकते हैं कितनी सुंदर मिठाई बनकर रेडी हुई है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।